everybody, this is Sangeeta. Welcome back to my channel. And what we are going to do today we are going to do or start a topic, rebellion in the countryside part 2. हम ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ साथ कंट्री साइड यानी विलेजेस में रिवॉल्ट हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, है ना, जिसको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा जा रहा था, बट एक्चुअल में उनका जो वे था मूवमेंट करने का वो टोटली डिफरेंट था. हम अवध में बाबा रामचंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी देख चुके हैं. अब अपन चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुदाम हिल्स में. इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं और इसी टॉपिक के ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर्स वाला वीडियो आज अपन करने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर मूवमेंट टू प्लेस. हमें क्या करना है, आंध्र प्रदेश है ना जहां पर मूवमेंट हुआ था उन हिल्स का नाम बताना है. तो हिल्स का नाम है गुदाम हिल्स. क्या नाम है, गुदाम हिल्स. सेकेंड क्वेश्चन इज विच वॉरफेयर वॉज एडॉप्टेड हियर फॉर अचीविंग स्वराज. स्वराज पाने के लिए इन्होंने कौन सा वॉरफेयर अडॉप्ट किया था. एक्चुअली ये जो हिल में रहने वाले लोग जो थे ना, वो गुरिला मूवमेंट या फिर गुरिला वॉरफेयर अडॉप्ट करते थे. गुरिला वॉरफेयर मतलब क्या कि छुप छुप के वार करना, है ना. जैसे कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स होते थे और ये काफी कम मात्रा में होते थे, तो ये लोग छुप छुप के वार करते थे, तो उस प्रोसेस को बोला गया है गुरिला वॉरफेयर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. फिर व्हाई पीपल फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड. अब है ना, हिल्स में फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं उसी फॉरेस्ट के ऊपर, हिल्स के ऊपर, राइट. अब यहाँ के लोगों को ऐसा क्यों लगने लग गया कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, है ना, वो समाप्ति पर आ गए हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसा उनको क्यों लगने लगा. कुछ ना कुछ तो किया होगा ना ब्रिटिशर्स ने. देखिए क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज. भाई ये जो लोग होते थे ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, और इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी तरीके से जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज थे उनको ही क्लोज कर दिया. फिर दे प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेस देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड और फ्रूट्स. अब क्या हुआ, फिर उन्होंने लोगों को प्रिवेंट करना चालू कर दिया, मतलब एंट्री बंद कर दी उनकी कि आप है ना फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते. अब फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं लेंगे तो वो जिएंगे कैसे, उनके कैटल कहाँ जाएंगे चरने के लिए, या फिर वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां कहाँ से लाएंगे. वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे फ्रूट्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर, तो उनको कहाँ से मिलेगा, राइट. तो जब वो एरिया बैन कर दिया गया उन लोगों के लिए, तो उनको लगने लग गया कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिनाइड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवनी के ऊपर असर आने लग गया था फॉरेस्ट को बैन करने की वजह से, फॉरेस्ट में एंट्री लेने की बैन होने की वजह से, राइट. चलिए नेक्स्ट, पीपल ऑफ गुदाम हिल्स वर फोर्स्ड टू डू विच जॉब. अब यहाँ के लोग पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, अब फॉरेस्ट में तो एंट्री है ही नहीं, तो अब उनको मजबूरन कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा दूसरा. तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको एक काम के लिए फोर्स करना चालू कर दिया. और वो काम क्या था, वो काम था द गवर्नमेंट बिगिन फोर्सिंग देम टू डू बेगर फॉर रोड बिल्डिंग. अब यहाँ पर बेगर मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिटेल में भी कर चुकी हूँ, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के लिए. बेगर मीन्स क्या, विदाउट सैलरी आपको काम करना है. तो ऐसे में गवर्नमेंट जो थी वो इन लोगों को क्या कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि आप विदाउट पेमेंट काम करिए और हिली एरियाज के अंदर कौन सा काम, रोड बिल्डिंग का काम करने के लिए फोर्स कर रही थी. नेचुरली अब लोग नाराज तो होंगे, एक तो आपने हमारा फॉरेस्ट बंद कर दिया, बैन कर दिया, हमारे लिए जीविका बहुत असंभव कर दी, दूसरी तरफ आप हमसे बेगर करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जिसकी कोई सैलरी नहीं है. तो ऐसे में लोग क्या हुए, काफी परेशान हुए और उन्होंने रिवॉल्ट का सोचा. अब रिवॉल्ट हो रहा है तो नेचुरली लीडर तो हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बाय होम द मूवमेंट ऑफ गुदाम हिल्स लेड बाय. किसके द्वारा गुदाम हिल मूवमेंट आगे बढ़ाया गया या चालू किया गया, तो नाम डिफरेंट है, यूनिक है,
नाम है अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। आई होप यहाँ तक क्लियर, बढ़िया लगे। चलिए ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अलूरी सीताराम राजू वॉज फेमस। अब हुआ ये कि भाई उनको लीडर बना दिया गया, अब वो फेमस क्यों थे, वो लीडर क्यों बने, क्या कारण थे। एक्चुअली ही क्लेम दैट ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड ही कुड ऑल्सो सर्वाइव बुलेट शॉट। अब यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू ने अपने बारे में कुछ क्लेम किए, क्या क्लेम किए कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, मतलब वो ज्योतिष वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो एक ज्योतिष है, वो एक भविष्यवाणी कर सकते हैं और वो सच्ची भविष्यवाणियां करते हैं, वो लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं एंड ही कुड ऑल्सो सर्वाइव बुलेट शॉट, यहाँ तक कि वो बुलेट शॉट में भी, मतलब बंदूक की गोली भी लग जाए तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्लेम उन्होंने अपने लिए किए और वो जो हिली पीपल थे वो काफी इंस्पायर हुए उनकी इन बातों से, ठीक है। फिर पीपल प्रोक्लेम दैट ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यहाँ तक प्रभावित हुए लोग उनकी बातों से कि लोगों ने ये बोला कि ये तो भगवान के ही अवतार हैं, मतलब उनको भगवान का अवतार माना जाने लग गया, ठीक है। वॉज ही इंस्पायर्ड बाई एनसीएम ड्यूरिजन, एनसीएम इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो थे वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से प्रभावित थे, ड्यूरिजन कारण बताइए। तो यस डेफिनेटली वो गांधी जी के आइडिया से काफी प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ही पर्सुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। उन्होंने लोगों को समझाना चालू किया कि हमें खादी वियर करना चाहिए और जो ड्रिंकिंग करते हैं है ना लिक्योर, तो वो छोड़ देनी चाहिए, शराब पीना छोड़ देना चाहिए। तो गांधी जी के कुछ विचार यहाँ पर उन्होंने लोगों को समझाना चालू किया। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। अब गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे बट यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू के विचार कुछ अलग थे। उनको ये लगता था कि इंडिया को तभी फ्रीडम मिलेगा जब वो फोर्स दिखाएंगे, मतलब विदाउट अप्लाइंग फोर्स विदाउट वायलेंस हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी के विचार और अलूरी सीताराम राजू के विचार अलग हो जाते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ गांधी जी एंड अलूरी सीताराम राजू, तो आपको ये वाला डिफरेंस लिखना पड़ेगा, बाकी थिंकिंग सेम थी। व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड, अब इनके लीडरशिप में क्या हो रहा था, पुलिस स्टेशन पे अटैक किए जा रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किए जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स चुप बैठने वाले तो थे नहीं, उन्होंने क्या किया, राजू वॉज कैप्चर, राजू को पकड़ा एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 और उसको मार डाला 1924 में। बट वो एक फॉक हीरो के रूप में उभरे आफ्टर डेथ, मतलब लोग उनको भगवान का दर्जा देने लग गए थे क्योंकि वो ऑलरेडी उनके जीते जी भी उनको भगवान का अवतार मान गए थे, तो वहां के जो हिली एरियाज के जो लोकल पीपल थे वो उनको पूछने लग गए, है ना, तो वो फॉक हीरो बन गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा वीडियो। इन छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आप बड़े बड़े आंसर्स लर्न कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है, या आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको इनको पढ़ना ही है और साथ ही साथ में हिट द लाइक बटन, पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज में। संगीता थैंक यू सो मच।